हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होगी घर से ही, और आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है और थोड़ा सा सैड भी है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं अपनी एक बहुत ही चहेती चीज़ जो कि मेरी गाड़ी, उसे बेचने जा रहा हूँ। तो उसकी मेरी डील मैंने कल ही कर ली थी, मतलब कल दो तीन दिन में उसकी डील हुई थी, फिर आज अब उसको मैं दे के आ जाऊँगा। सो थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा सा सैड तो है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये मेरी फर्स्ट कार थी, मतलब लाइफ की पहली गाड़ी जो मैंने ली थी, और काफ़ी अच्छी i20 है, आपने देखी भी होगी मेरे पुराने ब्लॉग्स में। तो हाँ जी, अब उसको बेचने का टाइम आ गया है, थोड़ा पर्सनल रीज़न थे और थोड़ा फिर डीजल दिल्ली में फिर बैन भी होता जा रहा, तो इसलिए हमने सोचा कि उसको निकाल देते हैं। अब बेचना तो नहीं चाह रहा था, पर अब सिचुएशन ऐसी आ गई है तो क्या कर सकते हैं। अब आप समझे होंगे कि इसमें इसके साथ कितने इमोशन और कितनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 22-23 साल के लड़के के लिए पहली गाड़ी उसके लिए क्या मायने रखती है। आई होप आप लोग को पता ही होगा, जिनको कार बाइक में इंटरेस्ट है उनको तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कैसा फील होता है जब कुछ बेचते हैं जिससे इतना लगाव होता है ना। और लगाव होने के लिए अब किसी भी चीज़ से लगाव हो सकता है आप लोग को, किसी को जगह से लगाव है, किसी को अपने छत पर रखे पेड़ पौधों से लगाव है, तो हमारे जैसे को कार बाइकों से लगा हुआ है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। बट फिलहाल तो ये व्लॉग मेरा अपनी मेमोरीज के लिए है। ओके, सो मैंने सोचा इसके मतलब वीडियो बनाऊं ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहे, है ना, यादगारी के तौर पे। तो अब मैं जाऊंगा इसको लेके, और हाँ, अब जाने से पहले एक बार तो डैनी को राइड करानी पड़ती है ना, बनती है मतलब, तो डैनी को राइड करा के फिर मैं निकलूँगा आराम से। आज मौसम वैसे बारिश वाला है। चलो, सो डैनी भी वेट कर रहा है जाने के लिए, डैनी की भी एक लास्ट राइड होगी, हम दोनों एक लास्ट राइड करेंगे, डैनी को लेके चलते हैं, है ना डैनी। ओए, जाने के लिए तैयार हो तुम? वन लास्ट राइड, फास्ट एंड फ्यूरियस। चलो चलो, मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, हमारी प्यारी दुलारी सी गाड़ी ये खड़ी है, अभी बेचारी डील के लिए जाएगी, देखते हैं अब उनको पसंद आती है कि नहीं आती। वैसे तो पसंद ना आने वाला ऐसा कुछ है नहीं इसमें, देखते ही पसंद आ जाएगी। तो चलो पहले डैनी को लेके चलते हैं। चलो उनका खुशी का ठिकाना नहीं। तो चलो डैनी, वन लास्ट राइड, कह रहा नहीं गाड़ी आएगी, चलो हम चलते हैं। अब डैनी सीधा नई गाड़ी में है अगली बार। आओ, वही ट्रेनिंग हमारी। चलो, थोड़ा टाइम लग रहा है आज सर को। चलो मैं आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड करा देता हूँ, मेरे लिए भी यादगारी रह जाएगी। एक मिनट, सॉरी, ये मेरे सीट कवर बड़े प्यार से लगाए थे, बाकी तो मैंने पूरी गाड़ी खाली कर दी, परफ्यूम वगैरह रखे थे, चीज़ें थी काफ़ी। अब शिव जी को भी यहाँ से, वैसे गाड़ी में ही रहने देंगे इसको, शिव जी को। तो ऑल ओवर ये था, नए टायर यार, अभी एक महीना भी नहीं हुआ इनको तो। चलो कोई बात नहीं, अब बेचने तो बेचने। सो गाइस, अब मैं निकल गया हूँ ये गाड़ी को देने के लिए, आईने में छोड़ के जाऊँगा, तो वहाँ से फिर मैकेनिक भैया जो है हमारे, वो हैंड ओवर कर देंगे दूसरी पार्टी को गाड़ी। मम्मी भी जा रही है साथ में, मम्मी को भी रास्ते में छोड़ते हुए जाऊंगा, सब गाड़ी के लास्ट एक बार चल के, मतलब एक बार राइड लेके फिर इसको विदा कर देंगे। तो बज रहे हैं 2 और मैं आ गया हूँ यहाँ पे आईने में गाड़ी देने के लिए। अब कितनी देर में आएंगे वो? 2-3 घंटे बस। अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा गाड़ी के जाने का, वैसे वैसे थोड़ा अजीब सा होता जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम है। अब इसके बाद तो मैं क्या ही चलाऊंगा, यहीं तक लानी थी मुझे, वही था मेरे लास्ट राइड। और अब ये शिव जी हैं डैशबोर्ड में रखे हुए, तो
थोड़ा ये निकाल, इनको भी निकाल हटा देंगे, माला वाला उनको, जो दूसरी पार्टी है उनको पूरी क्लीन गाड़ी चाहिए, तो ठीक है हटा देंगे। सो बाकी अब ये गाड़ी चल चुकी है 80,000 के अराउंड, तो काफ़ी सारी मेमोरीज हैं इसके साथ जुड़ी हुई, गाड़ी के साथ हमारी कहाँ ड्रीम डेस्टिनेशन पे भी लेके गए हम इसको, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ दो बार चलेगी, उत्तराखंड तो टोटली 10-11 बार चलेगी, बहुत बार ले गया मैं फिर इसको शिमला हिमाचल साइड भी, तो बहुत सारी यादें हैं इस गाड़ी से। इंटीरियर मैंने दिखाई दिया था इसका, बाहर से बारिश हो गई थी तो थोड़ी गंदी हो रखी है। चलो हम निकाल लेते हैं उसके आने से पहले ना। तो इसमें लगे थे पायनियर और ब्लू पंक के स्पीकर्स, बड़े ही श्रद्धा और बड़े प्यार से लगाए थे, एक एक पैसे इकट्ठे करके। अब वो हट रहे हैं क्योंकि जो इसके पास ये गाड़ी जा रही है उनको ये सब पसंद नहीं है, तो फिर मेरे को ये भी हटाना है। अच्छा ये खैर मेरे लिए, तो मैं मेरे लिए बच गए, नेक्स्ट कार में जो लगेंगे। बड़ा दुख हो रहा है, इतनी प्यारी गाड़ी जा रही है, पर कोई नहीं, जब कुछ पुराना जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा ना। एम्प भी निकल रहा है अब। ओम नमः शिवाय। निकाल दिया हमने वहाँ से शिव जी के स्टैचू को, अब ये मेरे घर पे लगे रहेंगे अब डेकोरेशन में मस्त, और इन्हीं की बदौलत है जो ये गाड़ी इतने अच्छे से चली, इतने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, इतनी दूर दूर तक हम सेफली जा पाए बिना किसी दुर्घटना के, सेफली वापस आए, सारे काम किए। सो ओम नमः शिवाय। अब चलो ये थोड़ा सा रह गया है यहाँ पर, ये भी साफ कर देता हूँ, तो गाड़ी को कर देते हैं अब अलविदा। ये था मेरा लास्ट समय इसको देखने का, अब मतलब इसके बाद अब यहीं छोड़ के जाऊंगा और कल बाहर आके ले जाएगा। बाय बाय I-20। सो अब हम चले अलविदा बोल के I-20 को। चलो कुछ पुराना जाएगा तभी कुछ नया आएगा, अब उससे अपग्रेड करके लाएंगे। बहुत अच्छा सफर रहा उसके साथ, बहुत अच्छा रहा, कहाँ कहाँ लेके गई सारी जगह, जो जो मैंने सोच रखा था अपने टीनेजर कॉलेज टाइम में, वो सब सारे टूर किए। चलो तो घर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, 5 मिनट में। ओके गाइस, सो घर पे आ गया था मैं, और गाड़ी मैंने जैसा कि दिखाया था मैंने आईने में खड़ी कर दी, अब कल वो जो बायर है वो लेके चला जाएगा उसको। सो मैंने अपना फाइनल बाय बाय कर दिया था, अपनी सारी जो भी गाड़ी में चीज़ें थी वो भी निकाल ली थी, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, मतलब दुख भी नहीं बोल सकते, मतलब क्या बोल सकते। चलो जो भी था, वीडियो को करते हैं एंड, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूं ही बने रहे आगे ब्लॉग देखने के लिए। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।